नमस्कार। हरियाणा की फटाफट सुबह की 25 खबरों में आपका स्वागत है। एक पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक रोजाना हम पहुंचा सके। और आप हमें किस जिले से देख पा रहे हैं, किस तहसील से, अपना और अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ में फुटवेयर पार्क एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इससे पहले चौटाला दोपहर के समय झज्जर शहर में एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। झज्जर पहुंचने पर डीसी शक्ति सिंह ने पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम का स्वागत किया। डिप्टी सीएम बनने के बाद बहादुरगढ़ में दुष्यंत चौटाला का ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था जहां पर दुष्यंत चौटाला की उद्योगपतियों के साथ बैठक हुई है। कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। हरियाणा के पानीपत जिला की कोर्ट ने शुक्रवार को 12 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों ने जनवरी 2018 में पड़ोस की ही एक बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था, जहां पर स्मित कर की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों को लेकर कहा है कि ऐसे लोगों का समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। करनाल की मुन्नक रोड पर शुक्रवार शाम को दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने चार बच्चों को कुचल दिया। हादसे में 7 साल व 13 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने सड़क पर आकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने आकर परिजनों को समझाया और गाड़ी चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। हरियाणा के जींद में नरवाना के गांव रसीदा में महिलाओं ने गड्डी थाना पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने के आरोप लगाए हैं। महिलाओं ने पुलिस की तथा कथित बर्बरता को बयां करती कुछ तस्वीरें भी पेश की, जिसमें घरों के शीशे सामान टूटा फूटा पड़ा है। कई महिलाओं के शरीर पर चोट के निशान है। पुलिस पर बदला लेने की आरोप ये लगा रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले नशे के प्रति जागरूक करने की पुलिस टीम पर गाँव में हमला हुआ था। सिरसा के गांव रानिया के गांव बचेर में एक पेट्रोल पंप पर हथियारबंद 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। घटना में पंप में काम करने वाले पंकज की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने शुरुआती जांच में वारदात को आपसी रंजिश में जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की प्रयास में लगी है। पेट्रोल पंप पर किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई है। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर 2 दिन पहले हादसे में हुई मौत पर ट्राला चालक कासिम खान ने गिरफ्तारी के बाद गुरुवार रात को सोनीपत के खरखोदा पुलिस थाने में दिए बयानों से पलटी मार गया। पुलिस के सामने उसने अपना दोष स्वीकारते हुए लापरवाही की बात कही थी। पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर पूछताछ और छानबीन के लिए 2 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फिर कासिम खान को पुलिस रिमांड की पुलिस की मांग को खारिज करते उसे जमानत पर रिहा कर दिया। डेरा सच्चा सौदा सिरसा प्रमुख को 21 दिन की फरलो देने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि पहले वह 21 फरवरी और उसके नोटिस का जवाब दे। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को मामले में जुड़ा रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है। इसमें गुरमीत राम रहीम सिंह को दी गई फरलो का रिकॉर्ड शामिल है। हिसार में 49 साल की महिला ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया है। पीड़िता उकलाना एरिया में एक पार्टी की नेता रह चुकी है, साध्वी भी है। पीड़िता का आरोप है कि सुरेंद्रनगर निवासी ने कई सालों से उसका शारीरिक शोषण किया। खुद को अविवाहिता बताते हुए उसे शादी करने का झांसा दिया था, लगातार उसके साथ गलत काम करता आ रहा था। हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। मृतक बुजुर्ग काफी वक्त से झज्जर मोड़ स्थित एक बिल्डिंग में रह रहा था। उसके सिर पर गहरी चोटों के निशान मिले हैं, इसके साथ ही फर्श पर खून के छींटे भी मिले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी को धोखेबाज पार्टी करार देते हुए कहा है कि केजरीवाल पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी का जन्म धोखे से हुआ। वह धोखेबाज पार्टी है, पंजाब गुरुओं की धरती है, वहाँ के लोग धोखेबाज पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे। हरियाणा के रोहतक में कोरोना के चरम काल में ऑटो पर लगे ऑड इवन फार्मूला को अब यहां की ऑटो यूनियन ने वापस लेने की मांग की है। यूनियन का कहना है कि इससे रोजाना 5 से 6 हज़ार ऑटो चालकों को नुकसान होना पड़ रहा है। शहर में 3 जनवरी से ये फार्मूला लागू किया गया था। हिसार में संजीवनी कोविड हॉस्पिटल से हटाए गए कर्मचारियों ने शुक्रवार को सीएमओ दफ्तर के आगे प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीएमओ दफ्तर को बंद कर ताला जड़ दिया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती दफ्तर के अंदर ही मौजूद थी। तुरंत सिटी थाना पुलिस को सूचना दी गई। डीएसपी के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला खुलवाया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सीएमओ को अपना मांग पत्र सौंप कर धरना
खत्म किया। हिसार में खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। किसान संगठनों ने खराब हुई फसल का कम मुआवजा देने का आरोप लगाते हुए सचिवालय का घेराव किया। पुलिस बल ने किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया, उनको गेट के बाहर ही रोक दिया। इसके बाद एडीसी आरएस पाटिल ने गेट पर जाकर किसानों से उनका मांग पत्र लिया है। अब हरियाणा में सड़क बनाने में एक ऐसी तकनीक इस्तेमाल होगी जिससे सड़कों को कुछ घंटे में ही चकाचक कर दिया जाता है। इस तकनीक से जहां सड़क बनाने में लागत घटेगी, वहीं तारकोल जलने में धूल उड़ने की समस्याओं में कमी आएगी। वहीं निर्माण के सड़क कुछ घंटे बाद ही चलने लायक हो जाएगी। नगर परिषद भद्रगढ़ के प्रस्तावित चुनाव में वार्ड वार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को तैयार करने के लिए रिवाइजिंग अधिकारियों की सहायता के लिए अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई थी। मतदाता सूची में जुड़े गए मतदाताओं को समाहित करते हुए अपडेट किया जाना है। अब ड्राफ्ट पब्लिकेशन सूची पर प्राप्त दावे व आपत्तियों की सुनवाई निपटान के लिए बनाए गए वोटर इन्फॉर्मेशन कलेक्शन सेंटर पर ही अध्यापकों को नियुक्त करने का उन्होंने विरोध कर दिया। बुलेट द्वारा छोड़े जा रहे पटाखों को लेकर जींद पुलिस ने बाइकर्स के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चलाया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने अपने ही इलाके की कार्रवाई कर दर्जन भर बुलेट बाइकों को इंपाउंड कर दिया। मालिकों को 25 से 35,000 तक के चलान भरकर थमा दिए हैं। मामला यहीं तक नहीं निपटा, मिस्त्री को बुलाकर बुलेट बाइकों में लगे पटाखे वाले साइलेंसर्स को भी डैमेज किया गया है। हांसी मंडल के गांव पुट्ठी मंगल खां स्थित पीएचसी में तैनात चिकित्सा व नर्सिंग स्टाफ के नहीं आने के विरोध में ग्रामीणों ने शुक्रवार को पीएचसी पर ताला जड़ दिया, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पीएचसी में दो दो डॉक्टर की ड्यूटी लगाई है, लेकिन दोनों ही डॉक्टरों में से एक भी डॉक्टर पिछले एक महीने से हॉस्पिटल में नहीं आ रहा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 8वीं की बोर्ड परीक्षा लेने और यह परीक्षा सीबीएसई से जुड़े प्रदेश के निजी स्कूलों पर भी लागू कर देने से निजी स्कूल संचालक संसद में है। भिवानी बोर्ड जहां मार्च में 8वीं की परीक्षा लेने के लिए तैयार है, वहीं इसके विरुद्ध पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन केस की सुनवाई की तारीख 4 अप्रैल लगी हुई है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने शुक्रवार को कुलाना विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में विकास परियोजना का उद्घाटन किया। श्रम रोजगार मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों को शहरों के अनुसार मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने को कई योजनाएं कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया गया है। क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में नागरिकों को बिजली, पेयजल, शिक्षा, सड़कें, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जा रही है।